अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ट्रैवल फ्रेंडली थ्री टाइप्स ऑफ कोल्ड सैंडविचेस। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें फ्रिज से और इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक सॉस पैन में पानी हमने गर्म कर लिया, एक चिकन ब्रेस्ट मैंने ली है। अब इसको हम पानी में डाल देंगे। पानी में बबल्स आप देख सकते हैं, ये पोजीशन में हमने चिकन ब्रेस्ट को डाल दिया। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है 15 मिनट तक। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। इस प्रोसेस के थ्रू चिकन हमारा सॉफ्ट और जूसी बनेगा। ये देखिए 15 मिनट हमारे हो गए हैं, ईजिली इसमें नाइफ जो है जा रही है और बाहर निकाल सकते हैं हम इसको। इस प्रोसेस से हमारा चिकन कभी भी हार्ड नहीं होगा। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में करेंगे तो चिकन हार्ड भी हो सकता है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। एक पैन में हम पानी ले लेंगे, 2 अंडे रखेंगे, 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट्स तक बॉईल कर लेंगे और उसके बाद इसका कवर हम रिमूव कर देंगे। आप चिकन हमारा देख सकते हैं कितना इजीली सॉफ्टली हमारा टूट रहा है। इससे ज़्यादा सॉफ्ट चिकन गारंटी के आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ये प्रोसेस करेंगे तो चिकन बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और हम इसको इजीली इसको देखिए श्रेड कर सकते हैं। इजीली ये चिकन पुल हो रहा है। इसी तरह हम सारा चिकन कर लेंगे। सारा चिकन श्रेड कर लिया हमने, अंडे भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब हम इनका फ्लेम ऑफ कर देंगे, छिलका उतार देंगे। धनिया लिया है मैंने वेजिटेबल्स में, गाजरें ली हैं, एक गाजर छील ली है, दूसरी को भी हम पीलर से छील लेंगे। लेटस लिए, कैबेज लिए, कुकम्बर लिया है। ये एक ग्रेटर से हमने कैरेट को ग्रेट कर लेना है और साइड में रख लेंगे। अब इसी तरह कैबेज ले लेंगे, उसको कट कर लेंगे सेंटर से। अब ये कैबेज हमने हाफ साइड में रख देंगे और हाफ में से भी हम हाफ को हम जो है स्लाइसर से स्लाइस्ड कर लेंगे। ये इतनी सी कैबेज हमें काफ़ी है। लेटस लेंगे, लेटस को भी हम रफली चॉप कर लेंगे। इस तरह टर्न करेंगे लेटस को और इस तरह हम इसको रफली चॉप करके रख लेंगे। लेटस भी हमारी रेडी हो गई है, ये वेजिटेबल सारी रेडी है हमारी। मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसके अंदर 1 कप आप बहुत अच्छे वाली मायोनीज ऐड करेंगे। आप होममेड मायोनीज की रेसिपी भी मेरी देख सकते हैं। 1 कप मायोनीज में हम 1/4 कप हम इसमें फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे, यानी 2 टेबल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम ऐड किया मैंने। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि मायोनीज में भी नमक होता है। 1 टीस्पून वाइट पेपर ऐड करेंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप काली मिर्च जो है वो भी यूज़ कर सकते हो, उसका पाउडर। 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब नहीं है तो आप मत यूज़ करें, ये जस्ट हमने सिजलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। 1 टीस्पून हम इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, फ्रेश लहसुन को ऐड ना करें। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें सारी वेजिटेबल्स हम ऐड कर देंगे, लेटस भी सारा ऐड कर दिए, कुकम्बर, टमाटो और कोरिएंडर हम बाद में यूज़ करेंगे। अच्छे से इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको साइड में रख देंगे। ये अब हमारी वेजिटेबल फिलिंग रेडी हो गई है। अब इसमें से हाफ हम जो मटेरियल है उसको दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे और इसमें हम चिकन जो हमने श्रेड करके रखा है वो ऐड कर देंगे और ये हमारी चिकन फिलिंग रेडी हो गई सैंडविच के लिए। वेज एंड जो है नॉन वेज दोनों हमने रेडी करके रख लिए। अब हम दोनों अंडे लेंगे, इनको हमने छील लिया, सेंटर से कट कर लेंगे दोनों अंडों को। अब इसको हम कट कर लेंगे स्लाइस में, रफली कट कर लेंगे। हमें इसको मैश नहीं करना क्योंकि वो कम्प्लीटली फ्लेवर को चेंज कर देंगे। हमें इसको स्क्रम्बल शेप में ही इसको कट करना है। ये सारे एग्स को हमने अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया। अब इसमें 1 टीस्पून मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। 1 टेबल स्पून मायोनीज ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जो फाइनली चॉप्ड हमने धनिया रखा था वो हम इसमें डाल देंगे, फ्रेश धनिए को। ये एग सैंडविच की फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। ब्रेड्स ले लेंगे, मेरे पास 3 डिफरेंट साइज़ की ब्रेड्स है। ये सबसे लार्ज है, ये मीडियम है और स्मॉल है मेरे पास। मैं मीडियम साइज़ वाली ब्रेड यूज़ करूँगी सैंडविचेस के लिए। आप कोई से भी साइज़ की यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसके हम साइड्स के एजेस को रिमूव कर देंगे, ब्राउन एजेस को। अगर आपको रिमूव नहीं करने, आपकी ब्रेड के एजेस हार्ड नहीं है तो आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सारी ब्रेड के एजेस को हम रिमूव कर देंगे। रफली रिमूव मैं कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। अब सबसे पहले हम चिकन सैंडविच को रेडी करेंगे। ब्रेड के हमने 3 पीसेस ले लिए हैं, 2 लेयर सैंडविच हम बना रहे हैं। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पीस के ऊपर हम अपने फिलिंग को रखेंगे। इसके लिए हमने कोई एक्स्ट्रा मायोनीज और क्रीम हमने ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें इनफ मॉइस्चर है जो हमारे ब्रेड को अच्छे से सोक कर लेगा। सेकंड लेयर लगाई
और लास्ट वाले हमने स्लाइस के साथ इसको बंद कर दिया और ये हमारा सैंडविच रेडी हो गया। आप चाहें तो आप इसको स्क्वायर शेप में कट करें, चाहें आप इसको ट्राइंगल शेप में भी कट कर सकते हैं, या एज इट इज़ भी आप इसको सैंडविच में खा सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा चिकन सैंडविच हमारा रेडी हो गया। अब आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर आपने सेम डे नहीं खाना, आपको इसको 2-3 डेज़ के बाद भी यूज़ करना है तो इस तरह का एक क्लिंग रैप ले लें। इसको आप क्लिंग रैप को खोलें और इसके अंदर सैंडविच को रखें। दोनों तरफ से अब आप इसको कवर कर देंगे क्लिंग रैप के थ्रू, इजीली ये रैप हो जाता है। आप ये पोजीशन में आप इसको 3-4 डेज़ के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब आपको यूज़ करना हो तो निकाला और इसको यूज़ किया। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और सेम डे पे भी आप इसको एज अ ट्रैवलिंग के लिए रैप करके साथ में रख सकते हैं। सेम प्रोसेस के थ्रू आप बाकी सैंडविचेस को भी रैप करके रख सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे हमने चिकन सैंडविच को हमने रेडी किया था, सेम वैसे ही हम वेज सैंडविच को रेडी कर लेंगे। स्लाइस के ऊपर हम फिलिंग को जो है स्प्रेड कर देंगे, दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे, इसके भी ऊपर हम फिलिंग भर देंगे। अब हमने इसके लिए जो टमाटर और खीरा काट के रखा था उसको हम इस तरह रख देंगे। और जो लास्ट का स्लाइस है इसके ऊपर आपकी ऑप्शन है, चाहे तो आप बटर ऐड कर दें, चाहे तो आप सेम फिलिंग जो हमने वेज फिलिंग रेडी की हुई है वो आप अप्लाई कर दें। मैं इसके ऊपर बटर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप इसके ऊपर वेज फिलिंग को ही दोबारा से अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा स्टिकी रहेगा, मीन्स के अच्छे से कंबाइन होके रहेगा। बटर लगाने से ये ज़्यादा चिपकेगा नहीं। चॉइस आपकी है कि आपको क्या टेस्ट पसंद है। सेंटर से कट कर लेंगे और वेज सैंडविच हमारा रेडी हो गया। अब हमारा थर्ड सैंडविच बनाएंगे एग सैंडविच। इसके लिए हम स्लाइसेस के ऊपर पहले बटर लगा लेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से हमने बटरिंग कर ली। सेम लास्ट और जो है सबसे टॉप के पीस के ऊपर हमने बटर अप्लाई कर दिए। सेंटर वाले पीस के ऊपर हम बटर अप्लाई नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर हम एग फिलिंग जो हमने रेडी की थी वो हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये ऑलरेडी बहुत क्रीमी है इसलिए इसके लिए सेंटर वाले पीस के ऊपर हम बटर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्रीम के अंदर ही बहुत अच्छे से सोक हो जाएगा। इसके ऊपर दोबारा से जो है हम लेयर अप्लाई करेंगे एग की, और जो हमने बटर स्लाइस को लगा के रखा था उससे हम स्लाइस को बंद कर देंगे। एग सैंडविच हमारा रेडी हो गया, इसको भी सेंटर से कट कर लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा एग सैंडविच हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको इनको सर्व करेंगे। यमी ट्रैवल फ्रेंडली 3 टाइप्स ऑफ सैंडविचेस हमारी रेडी हैं। आप इसको किटी पार्टीज़ में रखें, स्नैक्स में रखें, ब्रेकफास्ट में दें, बच्चों को लंच में दें, टूर एंड ट्रैवल्स में यूज़ करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप इसको स्टोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बाद में। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।